एनआईओएस के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशा महाराणा, प्राचार्य सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय मंदसौर, आपसे लिंग भेद का उद्भव, इतिहास और कारण के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। लिंग भेद के उद्भव की अगर बात करें और जीव विज्ञान के दृष्टि से अगर लिंग भेद पर हम एक दृष्टि डालें तो संसार में जितने भी प्राणी हैं लिंग के आधार पर उसे दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, एक नर और मादा। प्रकृति ने कुछ विशेषताएं दी है जो कि कहीं पर नर में है और कहीं पर मादा में है। अगर हम प्राणी की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्य में स्त्री और पुरुष दो कैटेगरी है, नर और मादा के। स्त्री में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि पुरुषों में नहीं है। स्त्री को गर्भाशय प्रदान किया गया है प्रकृति द्वारा, जबकि पुरुषों को प्रोस्टेट ग्लैंड दिया गया है। दोनों मिलकर के संतान की उत्पत्ति करने के लायक होते हैं। तो जब महिलाएं जो होती है, लिंग के आधार पर महिलाओं को विभाजित किया जाता है और लिंग के आधार पर पुरुषों को विभाजित किया जाता है, ये हमारी जैविक घटना है। लेकिन समाज में लिंग के आधार पर भी पुरुषों और महिलाओं में कुछ अंतर कर दिए गए हैं, कुछ कार्यों का विभाजन कर दिया गया है। आइए हम उस पर एक नज़र डालें। लिंग एक सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है जिसके माध्यम से हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्यों को और व्यवहारों को प्रकट किया जाता है। यहाँ पर स्त्री और पुरुष का जैविक आधार पर विभेद नहीं करके समाज द्वारा तय मापदंडों के आधार पर विभाजन किया जाता है, जिसमें स्त्री की भूमिका शोषित और पुरुष की भूमिका शासक के रूप में होती है। शिक्षार्थियों, स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब इस प्रथा की चलन की गई होगी कि महिलाएं जो घर का काम करें और पुरुष बाहर से कमा करके लाएं, तो शायद उनकी ऐसी मानसिकता नहीं होगी कि महिलाओं का काम कमजोर, ये सही नहीं है, उसका कोई मापदंड नहीं है, या वो अच्छा काम नहीं है, पुरुष जो कमा करके लाएंगे वो अच्छा काम करते हैं। नहीं, उनके मन में यही होगा, चूँकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का लालन पालन करना और घर का काम करना महिलाओं के लिए पर्याप्त समझा जाता रहा होगा, और पुरुषों को कहा जाता होगा कि चूँकि आप ये काम नहीं कर सकते हो तो आप बाहर से काम करके लाओ, कमा करके लाओ और घर चलाओ। उनकी मानसिकता ऐसी नहीं हुई होगी, समय के साथ मानसिकता में परिवर्तन हो गया जिसमें स्त्री की भूमिका शोषित और पुरुष की भूमिका शासक के रूप में होने लगी। इतिहास, अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो प्राचीन काल से ही लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ हमेशा से भेदभाव किया जा रहा है। कुछ विकसित देशों जैसे अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, फिनलैंड इत्यादि को छोड़कर सभी समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमजोर जाति वर्ग के रूप में माना जाता है। कुछ देशों में महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है, जैसे यमन, इराक, पाकिस्तान, सूडान एवं अफगानिस्तान। एक महिला होने के नाते मुझे मालूम है कि हम जन्म से ही देखते हैं कि माँ और पिताजी के साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे समाज हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जहाँ पर अभी भी लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा रहा है। माँ को, दादी को, नानी को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है, वो निर्णय ले सकती हैं। वस्तुतः मैंने तो कई घरों में ऐसा देखा है कि जो भी बड़े निर्णय होते हैं महिलाओं के राय मशविरा से ही लिए जाते हैं, वहाँ महिलाओं को कोई नीचा दर्जा नहीं दिया जाता है। आपने भी देखा होगा, मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया है। मैं 5 बहन और 1 भाई हैं, मैं थी, लेकिन हमारे साथ कभी हमारे माता पिता ने कोई पक्षपात भेदभाव नहीं किया था, और मैंने भी अपनी बेटी और बेटे में कभी कोई अंतर नहीं रखा। ना तो स्कूल में बच्चों को लड़की होने के नाते उसको कभी मैंने ये किया कि तुम लड़की हो, ऐसा काम नहीं कर सकती हो, बल्कि हमेशा उसको प्रेरित ही किया कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। लड़कों को भी यही कहा कि लड़कियां तुमसे कमतर नहीं है, लड़कियां भी तुमसे ज़्यादा सक्षम है कई बार, क्योंकि योग्यता जो है वंशानुक्रम के आधार पर डिसाइड होता है। सभी बच्चे अपने हिसाब से सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए जाते रहे हैं। वहाँ पर लिंग भेद को हमने कभी प्राथमिकता नहीं दी है। लेकिन कुछ ऐसे परिवार जो कि रूढ़िवादी हैं, परंपराग्रस्त हैं, वो हमेशा से लड़कियों को नीची दृष्टि से देखते हैं। लड़कियों ही नहीं, जो माँ लड़कियों को जन्म देती है उन माँओं के साथ भी दुराचार होते हुए मैंने देखा है। उन माँओं को वो जो है सुपोषित भोजन नहीं मिलता है, उसकी देखभाल नहीं की जाती है, ना माँ की और ना बेटियों की ही, जबकि बेटे को जन्म देने वाली माँओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये परिवार पर निर्भर करता है, अगर परिवार समृद्ध हो, विकसित हो, तो वहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। प्राचीन भारतीय हिंदू कानून के निर्माता मनु के अनुसार औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन
और वृद्धावस्था अथवा विधवा होने के पश्चात अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं है। मुस्लिमों में भी यही स्थिति है, वहाँ भी उनके धार्मिक ग्रंथ और इस्लामी परंपरा ने उन्हें पुरुष के मुकाबले कमतर स्थिति प्रदान की है। वैदिक काल में भी लिंग भेद के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था थी। मुगल काल में स्त्रियों की सुरक्षा के लिए पर्दा प्रथा की शुरुआत की गई थी। बौद्ध काल में भी संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। लिंग भेद के कारण, लिंग भेद के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि एक मुख्य कारण है हमारी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत परिवार के जो है बड़े निर्णय जो है पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि चूँकि कमाई में पुरुषों की ही ज़्यादा भूमिका होती है, इसलिए उनके विचार से उनका कहना है कि मैं कमा करके लाता हूँ तो जो भी निर्णय होंगे मेरे हिसाब से ही होंगे। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्वे के अनुसार पितृ सत्तात्मकता सामाजिक संरचना की एक ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है जिसमें आदमी औरत पर प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण भी करता है। हमारे धार्मिक विश्वास, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हो, से जुड़े हुए हैं, जिसने पितृ सत्तात्मकता व्यवस्था पर अपनी मुहर लगाई है। दूसरा कारण है पूर्वाग्रह से ग्रस्त मानसिकता। हम लोग पहले से सोच करके बैठे रहते हैं कि बेटा जो है वंश चलाता है, बेटियां पढ़ाई होती है, बेटे को पढ़ाएंगे तो हमारे साथ रहेगा, मरने के बाद जो है हमको कंधा देगा, हमारा दाह संस्कार करेगा, हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर बेटा नहीं होगा तो हमारा वंश जो है निर्वंश हो जाएगा, परिवार में कोई एक दीपक जलाने वाला भी नहीं रहेगा। ऐसी मानसिकता से ग्रस्त होकर के माँ बाप भी बेटे और बेटियों के साथ बहुत बुरा वाला भेदभाव करते हैं। बेटियाँ पराई होती है, ये बेटियों को बचपन से ही कई बार सुनना पड़ता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने घर में जाकर अपने मन की करना, यहाँ पर तो तुमको जो कहा जाएगा वही तुमको करना पड़ेगा। अगर बेटियाँ किसी चीज़ में विरोध करती है कि भैया को ये चीज़ क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसको कहा जाता है कि वो बेटा है, वो तो हमारे वंश का जो है वृद्धि करने वाला है, तुम तो दूसरे के घर चली जाएगी, दूसरों का वंश रोशन करोगी, तुमको जो दिया जाता है बहुत है, तुमको ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी है, तुमको ज़ोर से हंसना नहीं है, तुमको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, तुमको आगे जाकर के घर का काम करना है, तो तुम ज़्यादा अच्छा हो कि तुम घर का ही काम करो। संकीर्ण सोच, अधिकतर परिवारों की सोच बहुत संकीर्ण होती है, वो जन्म के शुरुआत से ही बेटे और बेटियों में अंतर करते हैं। अगर बेटे का जन्म होता है तो उसकी माँ और बच्चे पर पूरा ध्यान दिया जाता है, जबकि बेटियों के जन्म होने पर माँओं पर न तो उचित ध्यान दिया जाता है न ही बच्चों पर दिया जाता है। बल्कि हमारे देश में कई जगह ऐसी प्रथा भी है कि अगर बेटे का जन्म होता है तो खुशी मनाते हैं, बेटियों के जन्म पर वो दुखी हो जाते हैं। उनकी सोच इतनी संकीर्ण होती है कि बेटे को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि बेटियाँ तो पराई अमानत है, वो अपने घर चली जाएगी। जागरूकता का अभाव, जागरूकता के अभाव से भी लोग ऐसा काम करने को तैयार हो जाते हैं। उनको लगता है कि क्या करना है, अपने को लड़कियों को घर ही तो चलाना है, उनको ज़्यादा पढ़ा लिखा करके क्या करना है। शिक्षा का अभाव भी होता है, सभी माएँ शिक्षित नहीं होती है। अगर माँ शिक्षित हो तो शायद अपनी बेटियों को पूरा समय दे सके, बेटियों को भी पढ़ाए, लेकिन माँ की अशिक्षा के कारण माँ विरोध नहीं कर पाती है और यहाँ पर उसकी बेटियों के साथ अन्याय हो जाता है, क्योंकि माँओं को घर में ज़्यादा बोलने नहीं दिया जाता है, उनको कहा जाता है तुमको कोई मतलब नहीं है, तुम तो घर का काम करो, बच्चों का लालन पालन करो, इससे ज़्यादा तुम्हारा दायरा नहीं है। आत्मनिर्भरता का अभाव, आत्मनिर्भरता का अभाव भी बहुत बड़ा कारण है लिंग भेद का। अगर माँ और माता और पिता दोनों बराबर कमाए, दोनों कमाई के बराबर के हकदार हों, तो शायद माँ भी अपनी बेटियों को पढ़ाने में आगे बढ़ सकती है, माएँ भी अपना निर्णय ले सकती है, लेकिन चूंकि वो आत्मनिर्भर नहीं होती है, जो भी अनिवार्य आवश्यकता की चीज़ें होती है उनको भी अपने घर वालों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, इस वजह से भी वो कुछ ऐसा विरोध नहीं कर सकती है। परिवार की आर्थिक स्थिति, कई बार ऐसा होता है कि किसी घर में बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं किया जाता है,
लेकिन वहाँ परिवार की आर्थिक स्थिति आड़े आ जाती है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो अनिवार्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके। उसी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में उनकी ज़िंदगी उनके अपने ढर्रे पर चलते रहती है और वो बेटी न सिर्फ बेटियाँ बल्कि बेटों की पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। दहेज प्रथा। लिंग भेद का एक बहुत बड़ा कारण दहेज प्रथा भी है। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो उस समय दहेज प्रथा जैसी कोई कुप्रथा नहीं थी। लोग अपनी बेटियों की शादी मनचाहे घर में करते थे और मनचाहे तरीके से उसको दहेज देते थे। उसको जो भी देना होता था वो अपनी मर्जी से देते थे। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, लोगों के अभिवृत्ति में, मनोवृत्ति में परिवर्तन आया। अब लोग एक मोटी रकम के रूप में, दहेज के रूप में माँ बाप से वसूल करते हैं। माँ बाप अगर अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा भी देते हैं, अच्छे नौकरी पर भी पदस्थ होती है लड़कियां, तो भी जब उसकी शादी की बात आती है तो दहेज के रूप में एक मोटी रकम की मांग की जाती है। कई जगह बेटियां सिर्फ इसलिए अविवाहित रह जाती है कि उनके माँ बाप के पास उनको दहेज में दी जाने लायक रकम नहीं होती है। यही कारण है कि कुछ जगह माँ बाप अपनी बेटियों को कम पढ़ाते हैं और उनका कहना होता है कि कम पढ़ाएँ, इसके बजाय हम ज़्यादा पढ़ाने में खर्च करें, इसके बजाय हम बच्चों के लिए, अपनी लड़कियों के लिए बचपन से ही दहेज के लिए रकम तैयार करते हैं, इनकी अच्छे जगह शादी कर देंगे और शादी करने के बाद ये सुखी हो जाएगी। ज़्यादा पढ़ी लिखी अगर लड़की होगी तो उसके लायक हमको लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए जो है वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, उपेक्षित करते हैं शिक्षा को। और भेदभाव भी यहाँ पर यही होता है कि लड़कों के पढ़ाई पर जो भी होता है खर्च, उनको लड़कों की जब शादी होगी तो उसको मोटी रकम के रूप में दहेज मिलेंगे, जबकि लड़कियों पर खर्च करने के बाद भी उनको पैसे देने पड़ेंगे। भेदभाव का एक ये बहुत बड़ा जो है ठोस आधार होता है। अतीत में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भी बेटियों और बहुओं पर जो अत्याचार किया गया है, उससे भी लोगों के मानसिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। जो भी विदेशी आक्रमणकारी आए, ऐसा कहा जाता है कि वो जो भी सुंदर लड़कियां दिखती थी उनको उठवा लिया जाता था, उनको अपने हरम में रखवा लिया जाता था। बहुओं के साथ भी यही होता था। तो इस कारण भी माँ बाप को लगा कि अगर बेटी का जन्म ही नहीं होगा तो शायद हमको इस स्थिति से गुजरना नहीं होगा। वहीं से बेटियों को जो है उन्होंने उपेक्षित करना शुरू कर दिया। वर्तमान में भी बेटियों और महिलाओं के साथ होने वाला अत्याचार हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर न्यूज़ में देखते हैं कि कोई लड़की स्कूल कॉलेज से घर जा रही थी, या अगर वो घर में भी अकेली थी तो घर में ही किसी सदस्यों के साथ उसके साथ दुराचार किया गया। बस में, ट्रेन में, बस स्टैंड में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस वजह से भी लोग जो है बेटियों को जल्दी बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं और बेटियों को जन्म भी नहीं देना चाहते हैं। लिंग भेद की शुरुआत घर से ही होती है। आइए हम निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा इसे समझने का प्रयास करें। जब माएँ गर्भ धारण करती हैं उसी समय से परिवार में लिंग भेद के भेद जो है परिलक्षित होने लगते हैं। गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण किया जाता है। हमारे देश में एक साल में करीब 5 लाख महिलाएं गैर कानूनी तरीके से गर्भपात करवाती हैं, जबकि सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। हर जगह क्लिनिक पर, हॉस्पिटल में लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पर लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है। इसके बावजूद भी चोरी छुपे अगर महिलाओं के गर्भ में लिंग में जो है लिंग के रूप में शिशु होती है, शिशु कन्या होती है, तो उसका जो है गर्भपात करवा दिया जाता है, कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर लिंग परीक्षण नहीं करवा पाते हैं तो जब कन्या का जन्म होता है तो उसको मार दिया जाता है, उसको कहीं झाड़ी में फेंक दिया जाता है, उसकी हत्या करके कहीं बहा दिया जाता है नदी नाले में। तो ये जो है हमारे समाज की बहुत दयनीय स्थिति है। लड़के की पूरी देखभाल की जाती है जबकि लड़कियों को उपेक्षित रखा जाता है। कन्या जन्म पर उदासी का माहौल होता है पर लड़के के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है। हमारे देश में कई जगह ऐसी प्रथा है कि जब पुत्र का जन्म होता है तो वहाँ पर थाली बजाई जाती है, यानी समाज को बता दिया जाता है कि हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। लेकिन महिलाओं के, लड़कियों के जन्म होने पर उदासी का माहौल हो जाता है। कई जगह ऐसा भी होता है कि जहाँ किसी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है वहाँ पर भाट भाटिन आते हैं, वो बधाइयाँ गाते हैं और इनाम के रूप में एक मोटी राशि घर वालों से ले जाते हैं। लड़कियों की माँ को बुरी तरह से उपेक्षित रखा जाता है, उसके पोषण का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है।
तो जो माताएं कुपोषित हो जाती हैं, माताओं के कुपोषित होने के कारण कन्या भी कुपोषित हो जाती है। जबकि जो माताएं हैं उनको स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में वो माँ बनेंगी, और माँ अगर स्वस्थ होती है तो बच्चे भी स्वस्थ होते हैं। लेकिन इस चीज़ को जानते हुए भी भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को घर के, जब लड़कियाँ बड़ी होती है तो उनको स्कूल भेजने के बजाय लड़कियों से घर के काम करवाए जाते हैं, उनको छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को उपेक्षित, आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बावजूद भी लड़कियों को जो है इस तरह के काम उनसे करवाए जाते हैं। अगर दूसरी बात करें, हम मजदूरों की बात करें, झुग्गी झोपड़े में जो माएँ रहती हैं वो अपनी कन्या को या लड़के को जन्म देने के बाद अपने काम में लग जाती हैं, वहाँ पर जो है लड़कियों को बुरी तरह से उपेक्षित रखा जाता है। और उन्हीं लड़कियों को, जबकि सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी उनके लिए स्कूलों की व्यवस्था कर दी गई है, वहाँ उसको सारी सुविधाएं दी जा रही है, उनको कपड़े दिए जा रहे हैं ड्रेस के रूप में, यूनिफॉर्म के रूप में, उसको किताबें दी जाती है, उनको साइकिल दिया जाता है, जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें प्रदान की जाती है। गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले स्कूल खोले गए हैं, आंगनबाड़ी के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जाने लगा है, वहाँ पर उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा जाता है, फिर भी माएँ लड़कियों से अपने घर का काम करवाती हैं, क्योंकि उनको मजदूरी पर जाना है, इसलिए छोटे भाई बहनों की देखभाल का जिम्मा भी उसी का रहता है। शिक्षार्थियों, उम्मीद है कि लिंग भेद के कारण और लिंग भेद के उद्भव के बारे में आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा, तो आप इस बात का फ़ायदा उठाएंगे, मुझे आशा है। इसी आशा के साथ मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप घर में या विद्यालय में लड़के लड़की को लिंग के आधार पर उसमें अंतर नहीं करेंगे। धन्यवाद।